इनके तृतीय भाव में सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य जब भी तृतीय में हो, छठे में हो, एकादश में हो, तो व्यक्ति हार्ड वर्कर होता है, परिश्रम करता है और परिश्रम और पराक्रम से अपने भाग्य में वृद्धि करता है। और व्यक्ति किसी भी तरीके से अगर वह लाभ प्राप्त करता है तो हर क्षेत्र से उसको लाभ मिलता है। यदि आज आप वित्त फाइनेंस के क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो वित्त के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। यदि जमीन खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, रियल इस्टेट में पूंजी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपका टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा है। राजनीति के क्षेत्र से आज आपको लाभ मिलेगा और आज आपका भाग्य आपके अनुकूल है, तो जो भी प्रयास करेंगे उसमें भाग्य से आपके सारे कार्य संपन्न होगा। आज भाग्य आपका अनुगमन कर रहा है, तो ज़रूरत है हार्डवर्क करने की। हार्डवर्क करके अपने भाग्य को आप बदल सकते हैं। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी कि आज आपका समय आपके अनुकूल है, तो मन को भटकने ना दें, कॉन्सेंट्रेट होके, फोकस होके अपने लक्ष्य के प्रति काम करें, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और आज आपको उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है कि चिड़ियों को दाना खिलाएं, साथ पानी पिला दें, बहुत अच्छा रहेगा। और शुभ अंक आपका 3 है, शुभ रंग केसरिया है और आपका लक मीटर 9 है। हरे कृष्ण।